चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या। बिहार की राजनीति में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। राज्यसभा सांसद मनोज झा के द्वारा ठाकुरों पर किए गए टिप्पणी के बाद राजद के अंदर खाने ही जंग शुरू हो गई है। एक और जहां आनंद मोहन और उनके बेटे व राजद विधायक चेतन आनंद मनोज झा पर हमलावर हैं, तो दूसरी ओर पूरी राजद पार्टी मनोज झा के समर्थन में उतरी हुई है। हालांकि इस पूरे वाद विवाद में पहली बार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बयान सामने आया है। लालू यादव ने खुलकर मनोज झा का समर्थन किया है। इतना ही नहीं, लालू यादव ने आनंद मोहन और चेतन आनंद को भी जमकर लताड़ा है। दरअसल लालू यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आनंद मोहन को जितनी बुद्धि होगी उतना ही बोलेगा ना। लालू यही नहीं रुके, उन्होंने आगे बोला कि आनंद मोहन पहले अपनी अक्ल और शक्ल को देखें। लालू यादव ने आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को भी लपेटे में लेते हुए कहा कि चेतन आनंद को अक्ल नहीं है। लालू यादव ने मनोज झा का समर्थन करते हुए कहा कि मनोज झा एक विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है। उनका इरादा राजपूतों, ठाकुरों या किसी अन्य समुदाय के अपमान करने का नहीं था। मनोज झा जी विद्वान आदमी है, सही बात वो बोले हैं। कोई ठाकुर कोई राजपूतों के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा है। जो सज्जन रिएक्शन दे रहे हैं वो अपने कास्ट में कास्टिज्म के लिए वो प्रसिद्ध आदमी है, वो परहेज करना चाहिए सब बात। लालू प्रसाद यादव के इस बयान के बाद तय है कि आगे राजनीतिक बयानबाजी और तेज होगी। हालांकि अभी तक लालू यादव के वक्तव्य पर आनंद मोहन या उनके परिवार के किसी सदस्य का बयान सामने नहीं आया है। बता दें, महिला आरक्षण बिल के चर्चा के दौरान राजद के राज्यसभा सांसद ने ठाकुर का कुआं नाम की कविता का पाठ किया था, जिसके बाद पहले राजद विधायक चेतन आनंद ने आपत्ति जताई और फिर आनंद मोहन ने मनोज झा को माफी मांगने को बोल दिया। साथ ही आनंद मोहन ने कहा कि अगर इस कविता को संसद के कार्रवाई से हटाई नहीं जाएगी तो हम संसद का घेराव करेंगे। इन्होंने बोला कि मैं जात पात पे नहीं जा रहा हूं, और फिर उसके बाद पूरा का पूरा विलेनाइज जो है आपने ठाकुर होकर कर दिया। इसमें गलती हमारी भी है, हमारे लोगों की भी है, हमारे समाज के लोगों की भी है, और खास तौर पे उन लोगों की जो वहां पर बैठ करके ठाकुरों के अगेंस्ट, अपने अगेंस्ट, अपने समाज के अगेंस्ट इतना कुछ सुन लिए। अगर सदन में हम होते तो उधर प्रोटेस्ट करते। इसके अलावा भाजपा के नेताओं ने भी मनोज झा पर जातियों के बीच दरार पैदा करने का आरोप लगाया है। हालांकि इस पूरे प्रकरण के पीछे कुछ लोगों को वोट बैंक की राजनीति भी नजर आ रही है। दरअसल बिहार में भाजपा को राजपूत और ब्राह्मणों का समर्थन सबसे अधिक होता है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा को ब्राह्मणों ने 54% और राजपूतों ने 63% वोट दिया था। यही कारण है कि इस विवाद को खड़ा करके राजद अगड़ी जातियों का फायदा लेने की कोशिश में लगी हुई है। मनोज झा हो या आनंद मोहन, आखिर हैं तो राजद के नेता ही।